कोविन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विद आरोग्य सेतु ऐप। सबसे पहले अपने आरोग्य सेतु ऐप को अपडेट कीजिए और उसे ओपन कीजिए। सेतु ऐप के टॉप मेन्यू में नजर आ रहे कोविन आइकॉन को क्लिक कीजिए। ये चार ऑप्शंस: वैक्सीनेशन इन्फॉर्मेशन, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और वैक्सीनेशन डैशबोर्ड नजर आएंगे। सबसे पहले आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद वैक्सीनेशन ऑप्शन में प्रोसीड को क्लिक कीजिए। प्रोसीड को क्लिक करते ही दो ऑप्शंस रजिस्टर नाउ और लॉगिन खुलते हैं। सबसे पहले आपको लॉगिन ऑप्शन के प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपके सामने लॉगिन पैनल ओपन होता है, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। अपना मोबाइल नंबर भरने के बाद आप प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करें। अब आपके सामने मोबाइल वेरिफिकेशन का ऑप्शन ओपन होगा। अब अपना मोबाइल चेक करें। आपने जो नंबर डाला था, उस नंबर पर आपको 6 डिजिट का एक ओटीपी भेजा गया है। उस ओटीपी को यहां डालकर प्रोसीड को क्लिक कीजिए। अब आपके सामने नेम, स्टेटस और एक्शन ऑप्शंस की विंडो ओपन हो जाएगी। यहां अपना नाम चेक करें और क्लिक हेयर टू एड बेनिफिशियरी पर क्लिक करें। अब आपके सामने रजिस्टर फॉर वैक्सीनेशन की विंडो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहां आप अपनी फोटो आईडी का ऑप्शन, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसे आपको साथ लेकर वैक्सीनेशन सेंटर जाना है। मिसाल के तौर पर अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो यहाँ आपको फोटो आईडी नंबर यानी ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर लिखना होगा। फोटो आईडी कार्ड पर जो नाम लिखा है, ठीक वही नाम आपको यहाँ भी लिखना होगा। इसके बाद अपने जेंडर का चयन कर आपका जन्म किस वर्ष हुआ था वो लिख दीजिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। इसी तरह से आपने जो मोबाइल नंबर लिखा था, उस एक नंबर पर कुल 4 लोगों के लिए वैक्सीनेशन को शेड्यूल कर सकते हैं। बस सबमिट पर क्लिक करने के बाद हर बार आपको क्लिक हेयर टू एड बेनिफिशियरी पर क्लिक कर ऊपर की प्रक्रिया दोहरानी होगी। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, यदि आपको स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट में दी गई कोमॉर्बिडिटी बीमारियों की लिस्ट में से कोई बीमारी है, तो नीचे दिए गए चेक बॉक्स पर क्लिक करें और सबमिट बटन को क्लिक कर दें। आप अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की सही सही जानकारी दें और डॉक्टर का प्रमाण पत्र साथ लेकर ही वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर पर जाएं। यदि कोई नाम गलत लिख गए हैं, तो डिलीट ऑप्शन से उसे डिलीट भी कर सकते हैं। और यदि किसी वजह से आप निर्धारित समय पर वैक्सीन लगवाने सेंटर नहीं जा सके हैं, तो ध्यान दें, एक्शन वाले खाने में आपको रीशेड्यूल और डिलीट का ऑप्शन भी मिलता है। आप अपना अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल भी कर सकते हैं। अब आपके जिस नाम के लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है, उस नाम के सामने दिए गए चेक बॉक्स पर क्लिक करें। अब आपके सामने शेड्यूल अपॉइंटमेंट का बॉक्स कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले अपना पिन कोड नंबर लिखें और फिर फाइंड वैक्सीनेशन सेंटर पर क्लिक करें। अब आपको सेलेक्ट वैक्सीनेशन सेंटर के सामने क्लिक करके अपने नजदीक के वैक्सीनेशन सेंटर का चयन करें और अपनी सुविधा अनुसार जिस तारीख को आप वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं, कैलेंडर से वो डेट सेलेक्ट करके चेक अवेलेबिलिटी बॉक्स पर क्लिक करें। अब आपके सामने टाइम एंड अवेलेबिलिटी की जानकारी कुछ इस तरह से डेट, टाइम, अवेलेबल कैपेसिटी और फोरनून आफ्टरनून के ऑप्शन के साथ नजर आएगी। अपनी सुविधा के अनुसार फोरनून आफ्टरनून के अपने स्लॉट को सेलेक्ट करें और प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दें। अब आपके सामने रिव्यू एंड कॉन्फर्मेशन अपॉइंटमेंट के टाइटल के साथ आपने जो जानकारियां भरी थी, वो सब कुछ इस तरह से नजर आएंगी। आप इन्हें चेक करें और कंफर्म अपॉइंटमेंट के बटन को क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आपके नाम के सामने अपॉइंटमेंट शेड्यूल लिख कर आ जाएगा। आपने जितने नाम दर्ज किए हैं, सब पर क्लिक करके संक्षिप्त जानकारी देख सकते हैं। यहाँ अपॉइंटमेंट स्टेटस के सामने व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके पूरी जानकारी देखी जा सकती है। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अपने निर्धारित दिन वैक्सीनेशन सेंटर पर आपने जिस फोटो पहचान पत्र का विवरण दर्ज किया है, उसे साथ ले जाना ना भूलें। वैक्सीनेशन सेंटर पर पहला डोज लगवाने के 28 दिन बाद आपको कोविड वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जाएगा। दूसरी डोज भी आपको उस ही वैक्सीन की दी जाएगी और इसे
आप अपनी पहली डोज वाले सेंटर पर या फिर किसी और सेंटर पर जाकर भी लगवा सकते हैं। ध्यान रखें, कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगवाने और दूसरी डोज लगवाने पर दोनों बार आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसे आप डिजी लॉकर या आरोग्य सेतु से डाउनलोड कर सकते हैं।